हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज चलिए करते हैं संस्कृत की एक बहुत ही अच्छी क्लास। फिलहाल क्लास हमारी सभी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ का जो टॉपिक है वो आपके हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर मिक्स मिक्स है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका दो टारगेट सब्जेक्ट, एक मैथ एक संस्कृत, दोनों को हमें कवर करना है। दोनों हम काफ़ी रफ्तार से कर रहे हैं और संस्कृत में ज़्यादा क्लास अब नहीं बची हुई है, क्योंकि आपको अब रिविजन करना है। जितने मेन टॉपिक हैं सूक्तियाँ और लोकोक्तियाँ कुछ ऐसे बचे हुए हैं, श्लोक वगैरह वो करवाने हैं। बाकी आपका संस्कृत डन है, तो जल्दी से हम कोर्स कवर करते हैं। और ये आपके टिल मई में, ये कह सकते हैं 10 मई तक आपके दो पेपर, दो तीन पेपर ज़रूर मैं करवा दूंगी, ताकि आपका काफ़ी कुछ कवर रहे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शाली सारे का सबका स्वागत है। प्लीज़ शेयर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, अब आपकी बारी आ गई। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन हैं तो प्रॉब्लम आपको कम होगी, एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प की जाएगी। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जितना हो सके उतना फर्स्ट सेमेस्टर में डबल मेहनत करके काम करिए, ताकि चीज़ें आपकी सॉल्व की जाए। फिर कोई दिक्कत होती तो मैं बताइएगा, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। तो ये संस्कृत की बहुत ही अच्छी क्लास है, वन बाय वन करके सारी क्लास में प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ, ताकि आप वहाँ पर जाओ, देखो, समझो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आपको हेल्प मेरे द्वारा जितना भी होगा ज़रूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कारक प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? कारक प्रकरण। अब ये क्या होता है? तो देखिए, कारक आपने पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते, कुछ नया नहीं है। कारक की वही परिभाषा देखनी, वही भेद देखने, वही प्रकार देखने, वही एग्जाम्पल्स ही देखने, उसमें कुछ नया ऐसा नहीं है जो विशेष तौर पर आपको देखना होगा। तो थोड़ा सा कारक प्रकरण के बारे में पढ़िए। ग्रामर में दिया गया है, हिंदी ग्रामर ऑलरेडी है और संस्कृत ग्रामर में भी चीज़ें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा और हार्डवर्क करके इन चीज़ों को देखना और समझना होगा, ताकि प्रॉब्लम्स कम हो, आप काम कर पाएँ। तो कारक प्रकरण के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें दिए। कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होता है, क्या नहीं है, ये चीज़ें हमें जाननी है। तो इनके कैसे प्रश्न आएंगे, क्या नहीं आएगा, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो तो हम जब सीरीज करते हैं तो काफ़ी कुछ देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले कारक प्रकरण की बात करते हैं, तो सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिया नव्य कारकम। तो ये सूत्र है, अगर आपको याद रहता है, अगर आपको टिल टाइम तक याद रहता है, तो आप जैसे आया पेपर में आप लिख रहे हो, लिख दो, बहुत अच्छी बात, नंबर आपको मिलेगा, कटेगा नहीं। तो क्रिया नव्य कार्यक्रम में सूत्र दिया गया। व्याख्या की बात करते हैं, तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा की जब बात समझते हैं, वहाँ पर यह बात बहुत ही सिंपल समझनी होती है। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जो काम हो रहा है, आप जो भी उसका जिससे एक डायरेक्ट संबंध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पर है, राम संस्कृत पढ़ता है। उदाहरण हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको यह बात कहती हूँ कि आप जो भी परिभाषा लिखते हैं, अगर उसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, तो आपका वो काम सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल से वो चीज़ें एकदम क्लियर कट में समझ में आती है कि हाँ, बच्चे ने परिभाषा लिखी, सूत्र लिखा और उसके एग्जाम्पल्स को देखे क्लियर किया, तो समझ में सीधा सीधा एक आंसर आता है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमेशा कहती हूँ, साइंस हो, संस्कृत, तो कुछ भी हो, एग्जाम्पल जरूर लिखिए। क्लियर है बात? समझ में आई? तो सूत्र आप लिख दो, व्याख्या आप इस तरीके से लिख दो, और एक एग्जाम्पल आप लिख दो, तो आपका ये काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि मैंने हमेशा बोला है कि ऐसे संस्कृत के एग्जाम्पल्स नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो पहले से। परिभाषा तो किसी को नहीं याद रहेगी, ठीक है? देखिए, एग्जाम्पल्स लिखो ना। तो राम संस्कृत पढ़ता है, रामा संस्कृतम पठति, ये संस्कृत का है। तो आप ऐसे ही सेम लिखना, मतलब हिंदी का भी एक होना चाहिए, एक संस्कृत का, तो वो अच्छा सेट बनेगा, नंबर भी बढ़िया। देखो, आपको अपने नंबर गेन करने की कला को डीलेट में समझना। डीलेट में पेपर में आता नहीं है बहुत कुछ, थोड़ा ही आता है, छोटा पेपर रहता है, लेकिन लिख नहीं पाते हो आप लोग सही से। वही अगर आप सही से लिख लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये दोनों इस तरीके से लिख देना। तो यहाँ पर राम और संस्कृत जो है वो कारक है, यहाँ पर राम और संस्कृत जो है वो कारक है। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के प्रकार कितने हैं, या कह सकते हैं कि भेद कितने हैं। तो आपको यह बात ध्यान में लेकर समझ कर चलनी होगी कि संस्कृत में 6 कारक हैं। कितने हैं? टोटल 6 हैं। ये आपको नंबरिंग में आए तो लिख दो, ऐसे 6 लिखा हो, 5 लिखा हो, 4 लिखा हो, MCQ ऐसे ही आएगा, पढ़ा हुआ आएगा, गलत कर देते हैं हम लोग। तो ये 6, 4, 5 ऐसा कुछ भी आए तो टिक कर दो। और नाम वगैरह अगर पूछता है तो नाम को भी नंबरिंग करके आप नाम को भी मेंशन करो, तो क्योंकि उसमें आप जैसा जितना साफ सुथरा लिखोगे, जितना प्रॉपर मेंशन करोगे, उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप जैसे देख सकते हो, ये कर्ता कारक 1 है, ठीक है, कर्ता कारक 1 है, कर्म कारक 2 है,
करण कारक 3 है, संप्रदान 4 है, अपादान 5 है, अधिकरण 6 है। तो ये कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 के जो भी हैं इनकी परिभाषा है। थोड़ा बहुत ध्यान रखें, पूरी तो नहीं आएंगी, सही है, पूरी नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत ही आएंगी, लेकिन वह आपको आनी चाहिए और हमें सब पढ़ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन सी आएगी। तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करके चीज़ों को याद करना होगा, स्पेशली आपको एग्जाम्पल्स तो ज़रूर याद रखने होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको पूछिए ताकि उसके सोल्यूशन आपको मिल जाए। तो मैंने कर्ता बता दिया, कर्म बताया, करण बताया, संप्रदान बताया। आप हिंदी ग्रामर में हम उसको बहुत बार पढ़े हैं, कितनी बार हमने याद भी किया है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कर्ता कारक की, ठीक है। अच्छा, इसमें विभक्ति के बारे में पहले थोड़ा सा तथ्य मैंने ले लिया है, उसके बाद और चीज़ें वो बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संबंध और संबोधन कारक नहीं, इसे मत विभक्ति माना जाता है। ये शायद हमें लगता है कि कुछ ये इतना छोड़ दो ये टॉपिक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर विभक्ति का हेडिंग लिखा हुआ है, सूत्र है संख्या कारक बोधिय त्रिविभक्ति। सूत्र देखिए संस्कृत में रहता है, ठीक है। आप लिखना चाहो, अगर आप याद रहता है, आप याद कर ले जा रहे हो या एग्ज़ाम टाइम तक आपको याद है, तो आप ज़रूर लिख दीजिए। नहीं याद है अगर तो कोई बात नहीं, फिर परिभाषा लिख दीजिए जो पूछी जा रही है, और एग्ज़ाम्पल्स को लिख दीजिए, दो दो एग्ज़ाम्पल्स लिख दीजिए, आपको उतना नहीं दिक्कत होगा, नंबर मिल जाएगा, क्योंकि छोटा पेपर रहता है। तो अगर ये आपको सूत्र याद है कि संख्या कारक बोधयत्री विभक्तियाँ, तो बस आप इसको मेंशन कर दीजिए। व्याख्या की बात करते हैं, जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए, जो कारक और वचन का विशेष बोध कराए उसे हम भक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम विभक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में लेकर चलनी है, जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है, पूछी जाए आए तो ज़रूर लिखिए। आगे बढ़िए, विभक्ति के प्रकार भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि कारक और विभक्ति का ही तो मेलजोल है, तो इन दोनों के प्रकार वगैरह को हमें समझना होगा कि विभक्ति क्या है, कारक क्या है, प्रकार क्या है। विभक्ति के प्रकार की बात करते हैं तो विभक्तियाँ 7 हैं। कितनी हैं? 7 हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इन विभक्ति को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बात और, अभी आपको मैं धातु रूप पढ़ाऊँगी, आपको शब्द रूप पढ़ाऊँगी, अब आपकी जो बैनी नज़र होनी चाहिए ना वो अब ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी, क्योंकि अब संस्कृत के जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उनमें टफ भी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा हार्डवर्क करिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा, आप मल्टीपल टाइम देख लो। तो ये विभक्ति क्रम में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? भेद कारक का अलग है, विभक्ति का अलग है, कारक की परिभाषा अलग है, विभक्ति की परिभाषा अलग है, एग्जाम्पल सबके अलग अलग हैं। आई होप सो कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी बात क्लियर कट में है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपकी हेल्प जरूर की। शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक तो बनता है, ठीक है। आज वैसे भी आप देख रहे हो 1 मई है ऑलरेडी, आपका मंथ मई का स्टार्ट हो चुका है, सो बी क्विक करिए ताकि कम समय में ज़्यादा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, लिखिए बढ़िया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलें, यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो, तो मैंने ये टॉपिक सबके बता दिए, आगे बढ़ते हैं। अब इनके चिन्ह हैं, नाम हैं और विभक्ति हैं। जी हाँ, कारक के चिन्ह भी तो होते हैं, कारक के ऑलरेडी आप जानते हैं कि चिन्ह भी एग्जिस्ट करते हैं, चिन्ह भी होते हैं। तो कारक के नाम बताने होंगे आपको, चिन्ह बताने होंगे आपको, विभक्तियाँ बतानी होंगी। तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पहला है कर्ता कारक, कारक के नाम में कर्ता कारक कॉलम वाइज मैंने बनाया है, ठीक है। उसका जो चिन्ह है वो है ने, कर्ता का जो चिन्ह है वो है ने। ने से जो विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। कर्ता ने विभक्ति प्रथमा, कर्ता ने। हम लोग चिन्ह को याद करके रखे हैं क्योंकि चिन्ह भी हमसे पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में,
तो हमें एक नंबर आसानी से यहाँ प्राप्त होता है। तो कर्ता का चिन्ह यहाँ पर क्या है, नि विभक्ति का क्या है, प्रथमा विभक्ति, कौन सी है, प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता, ने, विभक्ति, प्रथमा। कर्म की बात करते हैं तो चिन्ह क्या है, को। कर्म की बात अगर करते हैं तो चिन्ह क्या है, को। विभक्ति क्या है, द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति है, कर्म को द्वितीय विभक्ति है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे आइए, फिर दिया है करण। करण कारक का क्या चिन्ह है, से द्वारा। से द्वारा करण कारक का चिन्ह क्या है, से द्वारा। तो विभक्ति कौन सी है, तृतीय। संप्रदान का चिन्ह क्या है, को के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या है, को के लिए। ध्यान रखिएगा, संप्रदान के चिन्ह की बात कर रही हूँ, को के लिए। संप्रदान का जो चिन्ह है वो है को के लिए। विभक्ति जो है वो है चतुर्थी विभक्ति। अपादान का जो चिन्ह है वो से अलग है। अपादान का जो चिन्ह है उससे अलग है, जिसकी विभक्ति जो है वो पंचमी विभक्ति है। क्या है, पंचमी विभक्ति है। तो ये आपको ध्यान में रखने चलनी होगी। अपादान से अलग का चिन्ह है और विभक्ति की बात करते हैं तो पंचमी विभक्ति है। संबंध की अगर हम बात करते हैं तो काकी के राधी रे है। संबंध कारक का जो चिन्ह है वो काकी के राधी रे है। इसकी विभक्ति जो है वो षष्ठी विभक्ति है। कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है। अधिकरण की बात करते हैं तो में और पर है। विभक्ति जो है वो सप्तमी है। विभक्ति जो है वो सप्तमी है। तो ये आपको करण, कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण सारे के सारे आने चाहिए और सबकी चिन्ह आने चाहिए, सबकी विभक्तियाँ भी आनी, क्योंकि हमें कभी कभी चिन्ह से विभक्ति पूछता है, विभक्ति से कारक पूछता है। तो थोड़ा सा ध्यान में करिए, ठीक है, आगे बढ़िए। बात कर लेते हैं सबसे पहले कर्ता कारक की। अब कर्ता कारक क्या है, तो सूत्र है क्रिया संपदका संपादका कर्ता। सूत्र अगर टिल टाइम तक याद है तो बहुत अच्छा है, लिखेंगे बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। व्याख्या में कहा है कि क्रिया का संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह नहीं है। क्रिया का संपादन करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो किसका जो चिन्ह है वो क्या है, वो ने है। चिन्ह क्या है, ने है। तो क्रिया का संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह जो है वो ने दिया गया है। तो क्रिया संपादका कर्ता यहाँ पर सूत्र हो गया, उसकी परिभाषा हो गई। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर है सा पुस्तकम पठती। राधा गीत गाती है, राधा गीत गीत गायती। राधा गीत गाती है, राधा गीतम गायती। तो सा और राधा यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है। सा और राधा यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है। तो थोड़ा सा ध्यान को लगाओ, समझो तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई दिक्कत बताओ। ये मैंने जितना सिंपल था वो मैंने आपको यहाँ पर दोनों का बता दिया। ये वाले का ये स्टेटमेंट है, ये वाले का ये स्टेटमेंट है। देखो आएंगे प्रश्न, अब आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया सदैव कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। नोट कर लो, जो क्रियाएँ होती हैं वो सदा कर्ता के पुरुष और वचन के ही अनुसार होती हैं। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं कर्म कारक की। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कर्ते प्रथमा। यहाँ पर ये कर्ता में एक लाइन और दी गई है, तब बता रहे कर्ता कारक प्रथमा व्यक्ति होती है। राम स्कूल जाता है, राम विद्यालय में गच्छति। तो यहाँ पर राम प्रथमा व्यक्ति है, क्योंकि राम यहाँ पर करता है। एकदम एक एक स्टेटमेंट क्लियर बता रही हूँ। आगे बढ़िए, कर्म कारक क्या होता है, व्याख्या देखिए। कर्ता की अत्यंत इच्छा, जिस काम को करने की हो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्ता की जो एक इच्छा है, जिस भी काम को करने की होती है, कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का जो फल है यानी कि जो काम हो रहा है उसका फल जैसे पड़ रहा है वो कर्म कारक है। जैसे कर्म का चिन्ह क्या है, को। रमेश फल खाता है, तो इसका संस्कृत में आप लिखोगे रमेशा फलम खादती, ठीक है। उसके बाद मोहन दूध पीता है, मोहना मोहना दुग्धम पीबती। हिंदी भी लिख दो और इंग्लिश मतलब सॉरी संस्कृत के भी एग्जाम्पल्स वहीं पर आपको लिखने होंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पर फल और दुग्धम कर्म कारक है, क्योंकि फल पर इसी पर पड़ रहा है, कर्ता अत्यंत इच्छा से काम करने को है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा, जो हाईलाइट करना है उसको ब्लैक पेन से लिख दो या अंडरलाइन कर दो, जैसा भी आपको सही लगे। बात करते हैं करण कारक की। तो लिखा है साधतम।
साधकतम कारणकम, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक होते हैं उसे हम करण कारक कहते हैं। क्रिया को करने में जो सबसे ज़्यादा सहायक है वो आपके करण कारक है। करण कारक का चिन्ह से द्वारा है, तो यहाँ पर है राम ने रावण को तीर से मारा या राम ने रावण को तीर से मारी। तो ये तो हिंदी में है, तो आप लिखोगे संस्कृत में रामा रावणम वणेन हतवान, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। वह मुख से बोलता है तो सह मुखेन वदति। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी होंगी, आपको कोशिश करनी होगी। तो यहाँ मारने में तीर और बोलने में मुख सहायक, इसलिए दोनों में करण कारक होगा। दोनों में क्या होगा? दोनों में करण कारक होगा। तो परिभाषा याद रखो और एग्जाम्पल्स याद रखो। चलो बता दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ भी है, आई होप सो नहीं होगी, अगर हो रही है तो आप बताओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान कारक। तो कर्मा यम प्रभृति सह संप्रदाना, ठीक है, सूत्र है, जो जो चीज़ें अवेलेबल करा पा रहे हैं ज़रूर करा रहे हैं, याद अगर आप रख पा रहे हो लिख पा रहे हो तब भी बहुत अच्छा है। जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को हम संप्रदान कारक कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, इसकी भक्ति चिन्ह को के लिए है, इसकी भक्ति का चिन्ह जो है वो को के लिए है, तो वो थोड़ा आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल है, माता बालक को लड्डू देती है, तो माता बालकाय मोदकम ददति, माता बालकाय मोदकम ददति। राजा ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं, राजा विप्राय वस्त्रम वदति, राजा विप्राय वस्त्रम ददति। तो ये है और ये है, एग्जाम्पल्स हैं और वो हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है संबंध कारक। तो षष्ठी शेषे, सूत्र है षष्ठी शेषे, कारक और शब्दों को छोड़कर अन्य संबंध जो होते हैं वो शेष कहलाते हैं, इनको हम संबंध कारक कहते हैं। राजा का महल, तो निपश्य भवनम, राम का पुत्र रामस्य पुत्रा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है अपादान कारक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ध्रुव यापने पदानाम, तो ये आपका सूत्र हो गया। व्याख्या आप लिखोगे, जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होती है उसको हम उस निश्चित स्थान को अपदान कारक कहते हैं, क्योंकि अपदान का मतलब ये से अलग होना या अलगाव। इसका विभक्ति क्या चिन्ह है? देखो फ्रेंड्स, सारी चीज़ हिंदी ग्रामर की सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा सूत्र, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स डाल के उस चीज़ को संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए कह रही हूँ सिंपल लिख देना। एग्जाम्पल देखिए, वह घर से आता है तो सार गृह आगच्छति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पृच्छात पत्राणि पतन्ति। दोनों में कोई दिक्कत है? नहीं है, सेम टू सेम है। तो गृहात वृक्षात अपादान कारक है, क्योंकि ये दोनों निश्चित स्थान है, क्रमशः व्यक्ति और वस्तु अलग हो रही है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अधिकरण कारक यहाँ पर क्या होता है? अधिकरण कारक का सूत्र देखिए, तो यहाँ पर है अधारो अधिकरणा, क्रिया का जो आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का जो आधार है, जो आधार हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। वह भूमि पर सोता है, सा भूमो सेते, वह भूमि पर सोता है, सा भूमो सेते। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे बालका विद्यालय पठंती, ठीक है, मैं नदी में तैरता हूँ, अहम नद्याम तारम, ठीक है, क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी बहुत ही अच्छी सी संस्कृत की शानदार सी क्लास, जहाँ पर एक टॉपिक को मैंने लिया और उसी टॉपिक के सारे जितने भी चाहिए सब कुछ बताया। अब आप इस क्लासेस को मल्टीपल टाइम देखिए, सीखिए, लर्न करिए, फिर जहाँ प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट में आएगा तो मैं फिर से करवा दूँगी, और एग्जाम्पल्स क्लासेस जो भी चीज़ें आपको रिपीट करनी है क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो नेक्स्ट में करवा देंगे। तो ये रही बढ़िया सी क्लास, और क्लास भी प्रॉपर हुई है, उम्मीद है कि आप लोग मुझे बताएंगे, फीडबैक देगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत होती है तो पूछिए, टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।